सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 400 साल से भी ज़्यादा ताम्र के बर्तन यहाँ पे को बनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने पुरखों के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय टमटा। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आजकल के समय में जो युवा वर्ग हैं वो नौकरी की तलाश के लिए बाहर में जाते हैं और अपने जो पुरखों जो पुराने पैतृक काम है उनको नहीं करते हैं, आप उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में कैसे देखते हैं और कब से आप इस काम को कर रहे हैं? करीब 25 साल से तो मैं इस काम को देखते हुए आ रहा हूँ, और हमारा ये काम बहुत पैतृक काम है। मेरे पापा, मेरे पूर्वज और मेरे आने वाले आगे की पीढ़ी के लिए भी हम ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा तब से ये काम हमने सोचा कि ये काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। राजाओं के टाइम पे, चंद राजाओं के टाइम पे हमारे ये जो टकसाल चलते थे तब हम उनके साथ आते थे, हमारा आदान प्रदान का मैसेजेस का काम होता था। वो धीरे धीरे राजशाही ख़त्म हुई तो हमने बर्तन बनाने का काम शुरू किया। बर्तन भी अब इतने चलने लग गए तो अब लोगों के घर में हमारे पास इतना काम नहीं है कि घर में लोगों के बर्तन मांजने का काम शुरू करने लग गए। तो ये देखते हुए हम सब लोगों ने मिल के, एक परिवार के लोगों ने, टमटा लोग जो ताम नगरी के लोग हैं, टमटा मोहल्ला के लोग हैं, टमटा बाजार थाना बाजार के लोग हैं, हम सब ने मिल के सोचा कि हमारा पैतृक काम कैसे जीवित रहेगा। सब युवा लड़के, पढ़े लिखे लड़कों को बैठा के हमने एक क्लस्टर बनाया। करीब 80 से 100 लोग हमारे इस क्लस्टर में हैं। इस क्लस्टर में हमने मिल के एक कंपनी फाउंड की, जो कंपनी भारत सरकार टेक्सटाइल से हमारे को मिली, हमने उनके सार्वजनिक से बनाया। आज हम उस कंपनी के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं। हाथ के बने बर्तन, गिलास, फावले और ऐसे फैंसी आइटम हम बना रहे हैं और उसको एग्जीबिशन के माध्यम से हम बेच रहे हैं, जिसके हम आजीविका आज को भी हम चलाए करने के लिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखा जाता है कि पहले के समय में काफ़ी तांबे के बर्तन बिका करते थे, चाहे आपके फावले हैं, फिल्टर हैं। अब धीरे धीरे उसका ट्रेंड देख रहा है, लोग खरीद रहे हैं उस, और उसके बारे में आप कैसे देखते हैं? हाँ, फिर ये वही चक्र है कि दोबारा लोग उसी पूरे कार में जा रहे हैं। आज तौले बनने लग गए हैं, आज जो चावल हैं बारात में जो काम बन रहे हैं, आज फिर से वो रिवाइज हो रहा काम, मगर वो थोड़ा हल्का काम हो रहा है। मगर जो बड़े बड़े बर्तन बनते थे अब वो मशीनें से छोटे छोटे बन रहे हैं, मगर आज भी हम उसको पुराने ट्रेंड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भविष्य में क्या प्लानिंग है? आप जैसे लोग हैं जो अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में आप कैसे देखते हैं और सरकार की तरफ से कितनी मदद मिल पा रही है? जी, सरकार की ओर से मदद तो है ही, काफ़ी मदद है। वो हमको प्रमोट कर रहे हैं कि हर ज़िले में एक क्राफ्ट होना ही चाहिए। आज हमको GI क्राफ्ट का GI टैग, हमको जो भौतिकी संकेत जो अल्मोड़े को, तांबा नगरी, टमटा मोहल्ला को मिला है, तो तांबा का बर्तन आज हमको कोई भी भारतवर्ष में, विश्व में हमसे कोई कहेगा कि कहाँ बनता है तांबा, तो ओरिजिनल टमटा मोहल्ला में टमटा ही लोग बनाते हैं। तो आगे हमारी आजीविका अच्छी चलेगी, यही हमारी संभावना है और हम इसके लिए आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, युवा वर्ग के लिए क्या मैसेज है? आप जैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में कैसे, क्या उनके लिए सुझाव है? जी, युवा वर्ग भी कह रहे हैं कि अभी उनको तुरंत काम भी चाहिए, सीखना भी है, ट्रेनिंग भी है, तो इसमें भारत सरकार या कोई भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा इनके लिए फ़ंड देगी काम करने के लिए, उनके रोज का एक स्टाइप फंड दे दे तो हम वो लोग काम करेंगे। जो बाहर दूर दराजों में काम कर रहे हैं वो घर आके अपना काम खुद कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये था हमारे साथ मौजूद संजय टमटा, जो 17 साल की उम्र से तांबे के बर्तनों को बना रहे हैं और साथ ही जगह जगह में जाकर एग्जीबिशन लगाकर अपने तांबे के बर्तनों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।